हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज आपकी क्लास होगी सी सेट की, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोग एवरी सैटरडे को हम लोग सी सेट का आपका सेशन लेते हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या आपके सी सेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अप्रोच क्या रहेगी आपकी सी सेट को लेके। देन उसके बाद हमने आपके लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कि कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना है। तो आज मैं आपका बेसिक जो अर्थमेटिक्स जो हमें पढ़ना है पूरा यूपीएससी के लिए, वहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, वो है आपका, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, नंबर सिस्टम। तो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप पिछले 10 साल के या आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, एवरी ईयर नंबर सिस्टम से आपके टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। डजंट मैटर, आप एक ईयर भी गैप नहीं देखेंगे नंबर सिस्टम के टॉपिक से। तो हमें प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से क्या पता चलता है? यही तो पता चलता है कि ये टॉपिक हमारे लिए क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कह रही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं आप। देखिए, नंबर सिस्टम में लास्ट ईयर का पेपर डिफिकल्ट क्यों हो गया पता है आपको, जो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। पहला चीज, पेपर वॉज वेरी लेंदी, ठीक है। लेंदी क्यों था? बिकॉज उसमें घुमा घुमा के क्वेश्चंस दे दिए थे। सेकंड थिंग इज, यहाँ पे टॉपिक्स का सेग्रीगेशन नहीं था। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो आपके डायरेक्टली इसी टॉपिक से पूछ दिए गए थे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेटेज ऑफ क्वेश्चंस आए थे, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज आपका नंबर सिस्टम। तो पहले मैं आपको, सबसे पहले आप लोग भी अपनी नोटबुक लेके बैठिए और मेरे साथ साथ समझते जाइए। जो भी डाउट्स रहेंगे आप पूछ लेना, जैसे ही सेशन एंड होगा कमेंट में मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर दे दूंगी, ठीक है। चलिए, नंबर सिस्टम में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, मुझे एक बार कमेंट में कोई बताएगा कि नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमें यूपीएससी के लिए कौन से टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जल्दी बताइए। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, बताइए, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टागनल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, कुछ बताया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो नंबर क्या होते हैं, नंबर किसको बोलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 9, दीज आर दी नंबर। तो क्या 0 भी नंबर होता है या नहीं, बताइए। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है डिफरेंस बिटवीन दी डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टागनल नंबर सिस्टम, हेक्सागनल डेसिमल नंबर सिस्टम, पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, स्टार्टिंग वाली क्लास, वो आप देख लेना जिसने नहीं देखी है। तो नंबर सिस्टम की जब मैं बात कर रही हूँ तो नंबर्स आर इंक्लूडेड फ्रॉम 0 to 1 to 9। तो हमें यूपीएससी के लिए कौन सा टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ना है? क्या हमें बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है? बाइनरी तो आपने सुना होगा ना, हमेशा बाई, बाई का मतलब टू, वन और टू, बाइनरी नंबर सिस्टम उस पर काम करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके 0 और 1 आते हैं, ठीक है। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है जिसका बेस आपका क्या होता है, आपका बेस होता है 2। बेस 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, 0 और 1 के ऊपर खेलते हैं। तो क्या हमें यूपीएससी के लिए ये नंबर सिस्टम पढ़ना है? ध्यान रखना, नो। यूपीएससी के लिए हमें जिस नंबर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है इन डिटेल, दैट इज द, कौन सा नंबर है जल्दी बताओ कमेंट में। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये भी बताया था कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसका बेस क्या होता है। हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम में कौन सा टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्या बताए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में वो होता है ऐसे नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है आपका, बेस का मतलब समझ रहे, फाउंडेशन, यानी कि टोटल कितने उसमें आपके नंबर होंगे। तो टोटल बेस कितने होते हैं यहाँ पे आपके, 10, समझ रहे, 10। 10 क्या है, मैंने ऊपर लिख दिया है, देखो 0 से लेके आप कहां तक आएंगे, 9 तक, दीज आर टोटल 9, और 0 को काउंट करेंगे तो 10। तो यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसका बेस आपका क्या हो रहा है, 10। यानी कि इन वैल्यूज को जब आप काउंट करते हो तो कितना आएंगे, 10। यही नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है, समझ गए। सिंपल क्यों बताया ऐसा मैंने, आपको आगे समझ में आएगा, बेस से क्लियर करेंगे हम, धीरे 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 एडवांस की तरफ मूव करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सी सेट में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है कि सी सेट एक महीने पहले पढ़ लो, यूपीएससी के आपका आप आईएएस बन जाएंगे, आप सी सेट क्लियर कर लेंगे, नो, अब वो टाइम नहीं है। आपको सी सेट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना होगा एज कम्पेयर टू द GS1, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, या किसी भी, इवन IITians के बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है, डजंट मैटर बैकग्राउंड, डजंट मैटर इन दिस एग्जाम, यूपीएससी में कोई भी बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, यूर हार्डवर्क, यूर डेडिकेशन, यूर एफिशियंसी, यूर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये इंपॉर्टेंट करता है, चाहे GS हो चाहे आपका सी सेट हो, ठीक है। तो अगर आपको इन डिटेल क्लासेस लेनी है तो वी हैव स्टार्टेड अ सेपरेट बैच फॉर दी सी सेट, जिसमें आपको
कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी विद दी मॉक टेस्ट विद दी प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है। तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया नंबर सिस्टम्स आर नंबर सिस्टम्स यूपीएससी के परस्पेक्टिव से कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारा बेस टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 कैसे होते हैं, वैल्यूज आप काउंट करिए 1 से लेके 9 तक एंड आपका 0, ठीक है। चलिए, दिस इज क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अब उसके बाद जब भी मैं कोई टॉपिक आपका शुरू करूंगी, चाहे मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको एवरेज पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊं, एवरी टॉपिक देयर आर द सब टॉपिक्स आल्सो। मतलब नंबर सिस्टम इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसके अंदर हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो मैं भी आपके साथ लिखते जाऊंगी और आप लोग मेरे साथ समझते जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगी भी वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, देन हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा, मूव करते हैं। चलिए, अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये हमारा मेन टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्लासेस आपकी नंबर सिस्टम्स की ही होंगी बिकॉज नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें पढ़ने हैं, दैट इज सब टॉपिक्स। तो पहले आप पूरा आउटलाइन बना लीजिए, आउटलाइन का मतलब क्या है कि इस टॉपिक में हमारे क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं या जो इसके सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आप समझ ही रहे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, क्लियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। यानी कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़े हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, प्राइम नंबर पढ़े हैं कुछ कुछ नंबर। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जिसको हम समझेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है बेस समझना कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। आपको नंबर सीरीज जो दे देते हैं ना, उसमें आपको बोलते हैं कि प्राइम, इसका आपको पहचानना होता है कि ये प्राइम नंबर है कि नॉर्मल है, आगे कौन सी वैल्यू आएगी। तो पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे आपका रिमाइंडर। जैसे आप नंबर निकालना सीख जाएंगे ना, तो रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर थ्योरम से आपके इस साल भी 2023 में भी क्वेश्चंस आए हैं, एवरी ईयर अल्टरनेटिव ईयर रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। जब हम रिमाइंडर थ्योरम समझ जाएंगे, हम समझेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। रिमाइंडर थ्योरम बचपन में पढ़ा है ना, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो वही बस उसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर समझे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं बताने होते हैं आपको, कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको समझाया भी था, इन टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चंस बने थे आपके, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स जिसने ये सेशंस लिए थे उनके इस बार भी ये क्वेश्चंस क्लियर हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर अगला टॉपिक देखेंगे, जब हम इतना कर लेंगे तो हमें देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट ये सब टॉपिक्स लिखते जाइए, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, या यूनिट डिजिट को हम लोग क्या भी बोलते हैं, जैसे ये है आपका 20, तो 20 का मतलब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, जीरो इज द यूनिट डिजिट। पहले टॉपिक लिख लीजिए फिर समझाती हूँ सारे एक साथ ही, तो उससे ईजी पड़ेगा समझने में। पहले टॉपिक्स लिख लीजिए यूनिट डिजिट, इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक का नाम लिखेंगे जो हमें करना है, टॉपिक समझते हुए लिखना है, ठीक है, खाली बस कॉपी नहीं भरना है। फिर हम समझेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन, यहीं पे हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन भी समझेंगे। ठीक है, इतना टॉपिक समझ में आया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसी में, जब हम इतने कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हम यहीं पे समझेंगे HCF और आपका आता है LCM, ठीक है। और यहीं पे हम एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज बॉड मास रूल। पढ़ा है आप लोगों ने बचपन में बॉड मास रूल, ठीक है। ये टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके करेंगे, देखिए तो कितने टॉपिक्स हमें करने हैं। These are the सब टॉपिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद हम आते हैं आगे 7, 8, 9, टोटल 9 टॉपिक्स आर देयर जो हमें करने हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। अब चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक एक करके थोड़ा कुछ समझाती हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे टॉपिक्स पे,
हम समझेंगे एक एक टॉपिक सारे, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब हम पढ़ेंगे सारे एक साथ, ठीक है। ये एक लेंथी टॉपिक है, मतलब इसमें आपकी एक पूरी क्लास लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसमें आप सबने पढ़ा होगा ना बचपन में, अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं लाइक 8 से मैं आपका डिवाइड कर रही हूँ 21 को, तो यहाँ पे जो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे नीचे बच जाता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। आप इतना तो पढ़ा है ना, रिमाइंडर तो पढ़ा है ना क्या होता है। आप मत ध्यान दीजिए कि थ्योरम क्या है, आगे क्या है, बेस से समझिए। सबको, सबने बेसिक मैथ्स पढ़ी होती है, बस हम डर जाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं मैं जो पढ़ रही हूँ मेरे को तो बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आता, मेरे को तो बहुत डर लगता है मैथ्स से। दीज ऑल आर दी मिसकंसेप्शन, ठीक है। प्लीज अपने दिमाग से इन चीजों को रिमूव कर दीजिए। नंबर तो पढ़े हैं ना, नंबर क्या होते हैं बचपन से सुना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा बताते हैं ना सबको। नंबर्स तो दो नंबर से मिलके आपके अलग चीज बन रही है, तो नंबर्स कहां से आते हैं, बेस क्या होते हैं नंबर का। 11 बोल रही हूं तो 11 कैसे बन रहा है, 1 और 1 को मिला के बन रहा है। 13 बोल रही हूं तो 1 और 3 को मिला के बन रहा है। लेकिन नंबर्स क्या है, नंबर्स तो यही है ना जो मैं यूज कर रही हूं, तो यही समझिए, इन्हीं के साथ तो खेलना है पूरे कंसेप्ट में, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी मैथ्स से। मैथ्स इज लाइक, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मतलब तुम्हें भागना नहीं है, तुम भागोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, ठीक है। अब पेपर ऐसा हो गया कि हम कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। अब उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, इस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर 2022 में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, तो मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं, फैक्टर्स का सम क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के सम क्या होते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगी पूरा ये टॉपिक। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमें देखना है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक लंबा सा सेंटेंस दे देंगे लाइक 2 3 4 5 6 × 5 8 3 0, तो आपको बोलेगा, या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यूज दे देंगे, आपको बोलेंगे बताइए इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। तो इसका भी हम कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकाले जाते हैं। पहले हम बेसिक कंसेप्ट तो आपने पढ़ा होगा कि आप मुझे बताइए 0 1 2 3 4 5 6 समझना, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है। अब मुझे बताइए, मुझे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरो, समझना कितना इजी है, देखिए नंबर ऑफ जीरो। अब मुझे बताइए इन सारी वैल्यूज में कौन सी ऐसी दो वैल्यू हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो एवरी टाइम जीरो आएगा ही आएगा, बचपन में पढ़ा है ना। क्या मैं वन के साथ किसी को मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा, बताइए। यहाँ पे 10 को नहीं इंक्लूड करेंगे, सॉरी 1 2 लेके 9 तक रहेंगी आपकी वैल्यूज, ठीक है। 10 तो आपका किससे बन गया, 1 और 0 से बन गया। तो टोटल नंबर सिस्टम में मुझे इन्हीं नंबर्स के साथ खेलना है, ठीक है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल, मेरे से गलती हो गई ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर सिस्टम में किसके साथ खेलना है, 0 से लेके 9 के साथ। बताइए मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे हमेशा जीरो मिलेगा, वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। बस जब एक्सप्रेशन बड़ा आ जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ ट्रिक को यूज करना है, वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 2 जा 10, यानी कि जिस भी वैल्यू में आपकी 5 और 2 आएंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपके क्या देंगे, नंबर्स क्या देगा, जीरो देगा। तो यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी होती है नंबर ऑफ जीरोज में, 5 और 2 की, क्लियर, ठीक है, समझ में आया, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं हम आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, पहले टॉपिक समझ जाइए ताकि जब पढ़ें तो समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब है यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, इस पे तो इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा, 1+ आपको ऐसे दे देगा स्टार स्टार, फिर दे देगा 1 ***, फिर दे देगा *1, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं *1। फाइंड दी क्या बोलेगा इसमें, आपको फाइंड करना है, इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, इसका बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मानते हैं, क्या हम 10x कैसे लेते हैं, x कैसे लेते हैं, ठीक है, वो सब कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल तो सब पढ़ा होगा ना, पॉइंट जहां पे हम लोग लगाते हैं, उसको हम समझेंगे कैसे नंबर सिस्टम है, कैसे आ गया, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ पूरे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर मैं बोलूँ तो आपको, बेस है पूरे अर्थमेटिक का।
अब यहाँ पर HCM और LCM से इस बार का 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बैल एक साथ बजती है तो बताइए नेक्स्ट कब बजेंगी, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन, वो सब इसी से सॉल्व होते हैं HCF और LCM से, ठीक है। तो ये हमारे लिए अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्लियर है। अगला है हमारा बॉड मास रूल, ये है हमारा बेसिक जो हमने पढ़ी है, कैलकुलेशंस में पूरा हेल्प करेगा, पढ़ा है। पहले डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ा है कुछ कुछ ये बॉड मास रूल, इसको मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे अभी कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इतना समझ में आया कि पढ़ना क्या है, मूव करें टॉपिक पे, एक एक करके शुरू करें। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस टॉपिक से, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। हम सबसे पहले आज के सेशन में करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ का मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताऊंगी एंड आपको सीट एज अ प्रैक्टिस भी दूंगी ताकि आप यहाँ से इसके सारे टॉपिक समझ सकें, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जो है इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसमें हम सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी इसके टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, पूरा नंबर सिस्टम में आपको एक साथ कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ PPT, ठीक है। आज हमें समझना है रिमाइंडर थ्योरम, चलिए क्लियर है ना, यहाँ तक सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। चलिए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग अपने से लिख लीजिए बड़ा। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, RT कर दिया मैंने शॉर्ट में, तो टॉपिक आप लोग लिख लेना, मैं शुरू करती हूँ आपका कंसेप्ट, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले देखिए, रिमाइंडर थ्योरम को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ, ठीक है। किसी भी छोटी सी वैल्यू को ले लीजिए, क्या बोलते हैं, बचपन में पढ़ाए, बचपन की क्लासेस याद करिए, ठीक है। अभी मैं सोचिए कि आपके सामने कोई मैं हूं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सोचिए हमने स्कूल में बचपन में क्या पढ़ा था, ठीक है। रिमाइंडर पढ़ा था, जो बच जाता है किसी को भी डिवाइड करने के बाद उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए, सपोज मैं आपको दे रही हूँ 3, ठीक है, 3 से मैं आपको कह रही हूँ आपको डिवाइड करना है 7 को, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब 3 से 7 को डिवाइड करना है, इनकी 3 2 क्या होगा आपका 6, तो अब यहाँ पे क्या बच गया 1, तो 1 इज द रिमाइंडर। अब मैं आपको बोल रही हूँ 4 से आपको डिवाइड करना है 18 को, ठीक है, तो यहां से 4 बार जाएगा 16, तो कितना रिमाइंडर आ गया इस केस में 2। दो कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक चीज समझिए, क्यों, क्योंकि इस पे एक फॉर्मूला बनता है हमारा, जो कि हमसे UPSC ने पिछले साल पूछा भी है, पिछले लास्ट ईयर पूछा है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए अब मुझे बताइए, बच्चों ने पढ़ा है ना किसको डिविजर बोलते हैं, किसको क्वोशेंट बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं और किसको रिमाइंडर बोलते हैं, समझ रहे हैं, वो लिखिए यहाँ पे, जल्दी जल्दी लिखिए तो अपनी नोटबुक में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला क्या है, ये तो हमारा क्या है रिमाइंडर, लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। इस भी केस में दिस वन इज रिमाइंडर। अब बाकियों को बताइए इसको क्या बोलते हैं, बताइए तो इसको क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलूंगी मैं, बताइए जल्दी से, ये क्या होता है डिविजर, इसको हम क्या बोलते हैं डिविजर, ठीक। अब मुझे बताइए 2 को क्या बोलते हैं, 2 जो डिवाइड होने जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी ऊपर जो 2 है ये 2 को क्या बोलेंगे और 7 को क्या बोलेंगे, जल्दी लिखिए, तो बचपन में पढ़ा होगा 2 को हम क्या बोलते हैं कोशेंट, क्यों लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब जो ये 7 है इसको क्या बोलते हैं, इस 7 को डिविडेंड, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें हैं इस पूरे इक्वेशन में, देखिए इधर सेकंड वाले को मैंने इसलिए आपके सामने एग्जांपल तौर पे लिखा है, देखिए दिस वन इज रिमाइंडर,
ये आपका क्या होता है, डिविजर, जिससे हम भाग दे रहे हैं। ये क्या होता है आपका, डिविडेंड। ये क्या होता है, कोशेंट। और नीचे वाला रिमाइंडर। समझ में आ रहा है क्या है एक एक्सप्रेशन में? अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज मुझे हिंदी में बताइए तो कमेंट में, ताकि और स्टूडेंट को भी समझ में आए रिमाइंडर क्या होता है, हिंदी टर्म क्या बोलते हैं इसको। जल्दी कोई बताएगा कमेंट में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमाइंडर, किसको बोलते हैं हम लोग। अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ये कंसेप्ट जो है ना, इसी बेस पे एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, पढ़ा है आप लोगों ने ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है, ये समझ में आ रहा है ना, किसको डिविजर बोलते हैं, ध्यान देखिए, जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं, जो वैल्यू दी गई है वो होती है डिविजर। जो वैल्यू डिवाइड होने जा रही है वो क्या होती है, डिविडेंड होती है। जो ऊपर आता है वो होती है कोशेंट, और जो नीचे है दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिविजर इंटू कोशेंट, दिस इज क्यू। ठीक है, क्यू समझ रहे, किस किस को मैंने इंटू किया, ये डिविजर है, ऊपर हमारा क्यू है, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, यहाँ पे वैल्यू क्या बच गया बताइए, डिविडेंड। समझ में आया क्या फॉर्मूला डिराइव्ड होता है यहां से, इससे क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, डिविजर इंटू क्यू प्लस आर इक्वल्स टू डिविडेंड। समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, फॉर्मूला बनता है डिविजर, जो उसको डिवाइड करने जा रहा है, जो वैल्यू दी गई है, Q कोसेंट प्लस R रिमाइंडर इक्वल्स टू हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको डिविजर दिया जाएगा, कोशेंट दिया जाएगा, और आपको बोलेगा रिमाइंडर फाइंड करिए कि क्या है इस इक्वेशन का। तो कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला आप वहां पे अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ या नहीं, समझ में आ रहा है, ध्यान से एक बार देखिए, दो इक्वेशंस आपके सामने, अब इसको खुद से लिखने की कोशिश करिए, बेस से चलेंगे हम एकदम। ठीक है, जिनको बहुत बेस क्लियर है वो अपना रिवीजन पर्पस से इसको देख सकते हैं, लेकिन जिनके बेस नहीं क्लियर है वो इसको एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, पहला तो ये फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट समझते जाएंगे। देखिए अब सपोज किसी एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, यहां तक क्लियर है ना, देखिए अब एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे आपको डिविजर दिया गया है 24। ठीक है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन की वैल्यू दी गई है 10 और आपको डिविजर दिया गया है 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, बताइए रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा होता है कि डिविजर की ये वैल्यू है, डिविजर इतना है, रिमाइंडर आपको बताना है, क्वेश्चन की वैल्यू ये गिवन है, एक लंबा सा स्टेटमेंट में दिया होगा, बस आपको समझना है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए, रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, बताइए मुझे कमेंट में व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको करके बताना मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है, हम आगे मूव करते हैं, आप कमेंट पे आंसर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, यस दिस इज द करेक्ट और नॉट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। अब आप देखेंगे ना एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, एक लंबी सी वैल्यू दे देंगे, जैसे 17 × 23 × 24 × 39 / 18, इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि फाइंड करिए इसका रिमाइंडर क्या है। तो अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट ना, तो अब यहां पर हमारा कंसेप्ट आएगा, पहला फॉर्मूला आप समझ गए जो मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में सबसे पहले क्या समझना है हमें, यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है, क्या समझना है सबसे पहले, अब हम टाइप पढ़ते रहेंगे अलग अलग, तो सबसे पहले हम अभी सीखेंगे टाइप 1 रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, टाइप 1 अभी हम सीखेंगे सबसे पहले, कि टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप के, मैं आपको मल्टीपल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट है आपका वो क्या रहता है, टाइप 1 क्या है, देखिए जब भी आपको ABC × ABC × D इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दे, ठीक है, और आपको कह रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर दे रहे हैं E से, तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर बताइए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिख के दिया था ना, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, मल्टीपल वैल्यूज दी जाए और नीचे आपको एक वैल्यू दिया है और आपसे बोले कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमें पहला मेथड लगाना है वो हमारा क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, लाइक हम E A / E × आप क्या करते, इसके बाद क्या करते जाएंगे आप, इंटू फिर आप क्या करेंगे,
फिर आप बी से ई को डिवाइड करेंगे, फिर सी से ई को डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल को डिवाइड कर रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रिमाइंडर देख लेंगे, इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, फिर हम देखेंगे बी अपॉन ई इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, फिर हम देखेंगे सी अपॉन ई इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, देन हम देखेंगे डी अपॉन ई, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट आपका बेसिकली ये रहता है कि आप में आपको इसमें क्या करने होते हैं, आपको इंडिविजुअल को डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना होता है, ठीक है, और लास्ट में हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा ना, जो भी रिमाइंडर आएगा ये हमेशा ऑलवेज आपका लेस होगा ऊपर वाली वैल्यू से। समझ रहे? कैसे अभी समझाऊंगी, चलो इसको अभी छोड़ दीजिए यहाँ पे। पहला टाइप आपको समझ में आया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा उस पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल का रिमाइंडर निकाल के आपको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। लाइक देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे तो टाइप वन समझ में आ रहा है ना, टाइप वन में क्या करना है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर को डिवाइड करके उसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको क्लियर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ, बहुत बेसिक सा, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक रखते हैं, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। 15 into 23, ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, 15 into 23 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब करिए तो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या बताया मैंने आपको, पहले इंडिविजुअल डिवाइड कर देना है। 15 से किसको डिवाइड करेंगे, 12 को, ठीक है। इसका रिमाइंडर जो भी आएगा इसका पहले रिमाइंडर निकाल देना है, इंटू मल्टीप्लाई करना है हमें किसको, 23 से 12 को, ठीक है। चलिए करिए तो जल्दी से, रिमाइंडर निकालिए कितना आएगा। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो 15 है तो 12, 13, 14, 15 कितना आएगा, 3 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 12 से 32 करेंगे तो कितना आएगा, करिए जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या आएगा इसका। क्या रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे आपका, 11 बचेगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इससे कितना बचेगा, 11, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया, 33 आ गया ना, 33, तो 33 क्या होगा यहाँ पे आपका, 33 क्या होगा, 33 यहाँ पे वैल्यू आई, ठीक। ध्यान से समझना ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या किया मैंने, टाइप वन मेथड में इंडिविजुअल को पर्टिकुलरली पहले डिवाइड कर लिया, देख लिया सबका रिमाइंडर, जब मैंने इसका रिमाइंडर चेक किया तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका रिमाइंडर किया तो कितना आ रहा है, 11, और फाइनल आंसर मेरा कितना आ रहा है, 33। और एक बात ध्यान में रखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा आपका इससे लेस होगा, अगर इससे ज्यादा आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, 12, और यहाँ पे कितना है, 33, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, समझ रहे, हमेशा आपका लेस होगा जो भी हमारी वैल्यू है उससे, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब ऐसे केस आ जाएगा तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगेन डिवाइड कर देना है, क्या करेंगे, एक बार फिर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, अब जो रिमाइंडर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर वैल्यू लेस आ रही है तो, 33 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, अगर वैल्यू लेस आएगी तभी वो आंसर होगा, अगर वैल्यू ग्रेटर देन आएगी तो वो आंसर नहीं होगा, समझ में आया। तो क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू, अगर आप 12 से 33 को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 9, तो 9 की वैल्यू क्या है, 9 इज लेस ना, 12 से छोटा है ना, तो 9 इज द आंसर। समझ में आया क्या क्वेश्चन है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, फिर हम आपका टाइप टू में पहुंचेंगे, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे इसी बेस पे, फिर हम टाइप टू में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, इंडिविजुअल को डिवाइड करना है, उसके बाद आपका क्या करना है, फाइनल रिमाइंडर को चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 × 23 सॉल्व भी करते रहना, ठीक है, इंटू 126 इंटू आपका अगली वैल्यू है 38, ठीक है, 38 डिवाइडेड बाय आपका 8। ठीक, तो क्या करना होता है हमें एक्सप्रेशन में, ये जो पहली मेथड हमने देखी है इसमें हमें पर्टिकुलरली को डिवाइड करना होता है। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, इससे इसको डिवाइड करिए, इससे इसको और इससे इसको, और देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। अगर वो छोटी आ रही है तो देन वो आंसर हो जाएगी, अगर नहीं आ रही तो फिर से 8 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप आफ्टर टाइम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगी, अब आप जैसे धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाएंगे, तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रही हूँ। रिमाइंडर हमें किसका देखना है, 17 को किससे डिवाइड करना है, 8 से, इंटू फिर एक्सप्रेशन खोलिए, रिमाइंडर किसका देखेंगे, 23 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 126 से 8 को डिवाइड करेंगे, देन अगेन हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे 38 से 8 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ चेक क्या आ रहा है सबका रिमाइंडर, और उनको मल्टीप्लाई करिए और मुझे बताइए वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 8 आ रही है नहीं आ रही है। हमेशा जो आपका रिमाइंडर होता है वो कम होता है, अगर ज्यादा आ रही है वैल्यू तो यानी कि हमारे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, देख के बताइए मुझे क्या आ रहा है, कितना आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है सारे किस्म, फटाफट डिवाइड कर लीजिए, 8 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 16 जा होता है तो 1 आ जाएगा, फटाफट करिए 1 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 1 इंटू, यहाँ पर डिवाइड करिए 8 × 16 के बाद नहीं जाएगा, 16 के बाद जितने बचे वो आपकी वैल्यूज हो गई, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे रिमाइंडर 7, फिर उसके बाद आगे देख लीजिए 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करिए, जल्दी जल्दी बताइए कितना आ रहा है आपका फाइनल आंसर, क्या हो रहा है, लेस देन 8 है। करेक्ट आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट में, बताइए इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर, बताइए मुझे इसका रिमाइंडर क्या है। चलिए अब हम मूव करेंगे टाइप टू की तरफ, तो उससे हम इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर कर दिया है बहुत सारे बच्चों ने, चलिए अब देखते हैं हम टाइप टू, टाइप टू मेथड क्या होता है हमारा, टाइप वन समझे ना, अब आते हैं टाइप टू में, फिर हम एट दी एंड हम बहुत सारे जब भी टॉपिक कंप्लीट होगा बहुत सारे मिक्सचर्स क्वेश्चन भी करेंगे, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, टाइप टू मेथड होती है हमारी सिंप्लीफाई मेथड, क्या मेथड होती है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, हमें वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि कट कर देते हैं हम, तो उसके बाद हाँ समझ आ रहा है सिंप्लीफाई मेथड का क्या है, वैल्यूज को हमें धीरे 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 कम करना है, तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसमें आप जिस जिस वैल्यू से काउंट कट करेंगे, फाइनल रिमाइंडर जो भी आएगा जिस जिस वैल्यू से आप कट करेंगे उनको लिखते जाना यहाँ पे साइड साइड में, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू दी जो वैल्यू आप कट करेंगे करने में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अभी कैसे समझ आएगा आपको, अभी एग्जाम्पल से समझ आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, क्या करना है हमें, हमें आपकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, कट ऑन करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी जितनी वैल्यूज कट डाउन हो जाएंगी उसके बाद जो हमारा बचेगा जिस चीज से आपने कट किया वो आपको यहाँ पे यूज करना है। लाइक देखिए एक क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट में किया था ना 15 × 23 उसी को हम देख लेते हैं। नहीं चलिए मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं एक क्वेश्चन को, सबसे पहले उसी मेथड उसी क्वेश्चन में जो हमने अभी किए ना उसी को हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको किया एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको 15 × 22 यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपको करना है 12। ठीक है, करिए तो इसको सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, आपको कट करना है, आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू कट हो सकती है। अब देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कट हो सकता है 3 से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए तो आप भी बताइए मुझे 3 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 जा ऊपर भी आपका कट हो जाएगा, 5 जा 15, तो मैंने एक कौन सी वैल्यू से कट किया 3 से,
मैं लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहली वैल्यू क्या यूज करी कट करने में, 3, क्योंकि फाइनल रिमाइंडर में मुझे उसको यूज करना है, मुझे नीड है इस वैल्यू की। तो पहली वैल्यू मैंने जिस भी से भी करेंगे आप, ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप जिस वैल्यू से कट कर रहे हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है। अब आएंगे यहां पर, तो समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फिर से 2 से कट हो जाएगा, है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर मैंने दूसरी वैल्यू क्या लिखी, 2, ठीक है, दूसरी वैल्यू मैंने क्या यूज करी, 2। अब फिर से होगा क्या ये कट, हो रहा है क्या फिर से? देखिए तो नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं इन दोनों को अगर हम वो कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, तो 11 5 जा 55, तो 55 डिवाइडेड बाय हमारी क्या वैल्यू आएगी नीचे, 2, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या रिमाइंडर बचेगा हमारा, बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा, बताइए क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से। बताइए बताइए यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर, बताइए 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 55 को तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, है ना। देखिए यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको, 2 से अगर मैं 55 को डिवाइड करती हूँ, देखिए यहाँ पे 55 को डिवाइड करती हूँ, एक सेकेंड थोड़ा मैंने इसको, देखिए 2 से अगर मैं 55 को डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 14, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 1। तो क्या 1 मेरा आंसर होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे कंसेप्ट। अब यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं, और यूपीएससी में एग्जाम में ऑप्शन 1 भी होगा और जो अब अभी हमें आंसर लिखना है वो भी होगा, और हमसे गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि यस हमने कर दिया यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर हो गया, 1 हो गया। इनटू मैंने क्या बोला था, जिस जिससे आप कट करेंगे उसको एक साइड में लिखते जाइए, किस किस से कट किया आपने, 3 और 2 का यूज किया है, इनटू 3 इनटू 2, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर वही रिमाइंडर होगा, तो कितनी आ रही है वैल्यू, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने आपको, जो बताया सिंप्लीफाई करते जाना है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी, आप जो जिस जिस वैल्यू से कट कर रहे हैं उसको एक साइड में लिखते जाइए, और लास्ट में जितनी आपका फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे आएगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तब तक सिंप्लीफाई कर। अब देखिए सिंप्लीफाई भी तो एक पॉइंट तक होगा ना, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई नहीं होगा वो वैल्यू, तो तब आपको क्या करना है, तब आपको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है उससे आपको जितनी भी वैल्यू से आपने कट किया था उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आया कैसे करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, आप ही आंसर देंगे इसका, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दे रही हूं। (35 × 42)/7, बताइए इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा, अच्छा ये वैल्यू चेंज करती हूँ, एक सेकेंड ना, 6 रिमाइंडर बताइए क्या होगा, होमवर्क है आपका, आंसर करना है इस मेथड पे, ठीक है। अब कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर यही मेथड आपको यूज करना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं,
जो कि इसी बार के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इसका आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ दैट इज 85, लिखिए लिखिए क्वेश्चन 85 इंटू 87 इंटू आपका है 89 इंटू आपका 89 इंटू आपका 91 इंटू मल्टीप्लाई करते जाना है इंटू 95 96 टू 95 इंटू 96। देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वैल्यू नीचे आपको दी गई है 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो जल्दी से कट करिए क्या बताया है मैंने आपको। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंप्लीफाई करके या कट करके, या आपको मैं लिख देती हूँ सिंप्लीफाई करके। जिस जिस वैल्यू से सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर लिखते जाना कौन कौन सी वैल्यू से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर आपको रिमाइंडर निकालना है, और जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगे सिंप्लीफाई करके उनसे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यही है पूरा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए करिए तो इसको सॉल्व। चलिए देखते हैं करके। फाइव से सबसे पहले छोटी वैल्यू से ही करते हैं। फाइव टू जा टेन, जीरो का जीरो, फाइव से किया मैंने। देन उसके बाद अगेन देखते हैं किससे होता है, फिर फाइव से कर लेती हूँ। पांच को बीस, पांच एकम पांच, पैंतालीस, फिर से मैंने फाइव से किया, फिर इंटू देखती हूँ, फिर टू से कर लेती हूँ। टू टू जा फोर, दो चक्को आठ, दो अट्ठे सोलह। ठीक, फिर वो टू से हो जाएगा, देखिए टू से हो जाएगा। टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, फिर मैंने टू से किया, फिर मैंने किसे किया, टू से किया। बट यहाँ पर तो रिमाइंडर कुछ आ ही नहीं ना, नीचे वाली वैल्यू तो क्या हो गई है, यहाँ तो जीरो हो गया है सारा का सारा। देखिए तो नीचे कुछ बच रहा है, नीचे की वैल्यू तो ओवर हो गई है। ये टू टू तो टू टू ही तो लास्ट बचा था, ध्यान से देखिए, ओनली दिस टू इज द लेफ्ट ना, यही टू बचा था लास्ट में जिसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई, मतलब यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी क्या हो गई, ओवर हो गई। ठीक है, है ना, तो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ गया, या आप कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक बच गया, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू बच गई, कुछ बचा ही नहीं है ना यहाँ पे। तो ध्यान रखना, अगर जब भी आपका नीचे कुछ नहीं बचेगा, डायरेक्टली वैल्यू जीरो आ जाएगी। समझ में आ रहा है, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो अब नीचे की वैल्यू खत्म होगी तो ऊपर की उससे क्या करोगे, नीचे तो खत्म हो गया ना, नीचे जितना मेरे को डिवाइड करने के लिए दिया था मैंने सब में डिवाइड कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या हो गया, जीरो। या आप कह सकते हैं एक से बच गया ना, एक बच गया, कुछ है ही नहीं। हम तो जब भी आपका ऐसी सिचुएशन आएगी तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। या आप कह सकते हैं कि अगर एक बचेगा यहाँ पे तब भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं ना। चलिए ये कंफ्यूजन हटा देते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर सब एंड होने के बाद मेरा यहाँ पे वैल्यू जीरो आ गई, क्योंकि ये तो कट हो गया ना, ये भी यहाँ कट हो गया, जीरो नहीं बोल सकते इसको, हम बोलेंगे टू वन जा टू ना, सॉरी ऐसे समझ लेते हैं। चलिए आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये आपका लास्ट में कैसे कट हुआ, टू वन जा टू, यहाँ पे 24, तो यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, रिमाइंडर आपका क्या, यहाँ पे क्या बची नीचे वैल्यू, वन। तो जब भी आपका यहाँ पे वन वैल्यू बचती है तो आपका इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। समझ आया क्या बोला मैंने, वहां पे मैंने क्या किया, टू वन जा टू और आपकी वहां पे कुछ समथिंग वैल्यू आई, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आई, कभी भी किसी भी केस में, ये एक आपको एक एग्जांपल दिया है। तो जब यहाँ पर आपका वैल्यू वन बचेगी तो इस केस में, ऐसे केसों में हमेशा रिमाइंडर आपका क्या होता है, रिमाइंडर आपका जीरो होता है, जब यहाँ पे क्या बचता है, वन बचता है। समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा जीरो होगा, जब यहाँ पे वन बचेगा तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज जीरो, क्योंकि अब कुछ बचेगा इन्हें डिवाइड करने के लिए तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। ठीक है, और जब आप डिवाइड कर रहे हैं उस केस में भी कहीं पे अगर आपकी वैल्यू बच गई तब भी रिमाइंडर जीरो आ जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करते समय जीरो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो आपको पता है जीरो के केस में, तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिमाइंडर भी जीरो आएगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या किया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको देती हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। लिखिए तो क्वेश्चन, मैं नहीं करूँगी, आप लोग करेंगे। लिखिए 51,
अभी कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है, धीरे 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 कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा। 35 × 62 × 75 × 100। चलिए इसको आप मुझे आंसर करके बताएंगे, व्हाट वी विल दी आंसर और क्या इसका रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने, अभी इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, आगे धीरे धीरे हम और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आई होप जितना हमने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा, अगर डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, देखिए अभी हम बेस कर रहे हैं तो मे बी आज थोड़ा सा नहीं समझ आया होगा, धीरे 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 जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, मल्टीपल टाइम आई विल डू द मैं आपके रिविजन करवा दूंगी एंड आंसर सीट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आंसर सीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप उसके आंसर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम इसके अलावा सी सेट का बैच भी स्टार्ट किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो, उसमें आपका सारा कुछ प्रैक्टिस वहाँ भी कराया जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।